इस वीडियो में आपको DNS बैंक में सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो ऐसे में आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। DNS बैंक में सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और आप गूगल पे सर्च करेंगे DNS बैंक। जैसे आप इतना सर्च करेंगे, अब आपके सामने DNS बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। तो अब आपको DNS बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बताया गया कि यह बैंक 50 सालों से आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। यदि आप अपना सेविंग अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट आइकन पर क्लिक करेंगे। सेविंग अकाउंट पर आपको जस्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको इस अकाउंट के फीचर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि इस अकाउंट को आप बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने की सुविधा देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको 25,000 रुपये हर महीने आप ATM के माध्यम से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। चेकबुक की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। NEFT, RTGS, ECS की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि गाइस यहाँ पे मिनिमम बैलेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इस अकाउंट में 500 रुपये मैंडेट करने होंगे, और साथ के साथ यहाँ पे आपको रुपये ATM कार्ड भी देखने को मिलता है। अगर आप 1,000 रुपये मैंडेट रख सकते हैं तो यहाँ पे आपको चेकबुक और रुपये डेबिट कार्ड दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं आपको अपना अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है। तो अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस बहुत आसान है। इसके लिए आप DNS सर्च करेंगे आप गूगल पे। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ करके एक बटन देखने को मिल जाता है, तो जस्ट आपको अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यहाँ पे दर्ज कर लेना है। यहाँ पे आप जेंडर से मेल करेंगे या यदि आप एक फीमेल है तो फीमेल एंटर करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे मेल एंटर किया है। इसके बाद गाइस आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज कर लेना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर आपको कर लेना है। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आईडी प्रूफ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कई सारे आईडी प्रूफ है, जैसे कि आपके पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट आईडी है, और इसके साथ पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो UIDI आधार कार्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे जो आपका आधार कार्ड नंबर है उसका यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस से आप चूज़ करेंगे कि आप मैरिड है या फिर सिंगल है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी बात करने वाले सेविंग अकाउंट के बारे में, तो सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस में काम करते हैं, सर्विस या फिर स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी हम स्टूडेंट चुन लेते हैं। स्टेट चुनेंगे, जिस भी स्टेट में अभी आप रहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे चुन लेना है। देन यहाँ पे आपको अपनी सिटी चूज़ कर लेनी है, जो भी आपके आसपास सिटी है उसको चूज़ करेंगे। इसके बाद नियरेस्ट ब्रांच चुन लेंगे, जो भी आपके आसपास ब्रांच है उस ब्रांच को आपको यहाँ से चुन लेना है। तो चलिए गाइस अभी यहाँ पे हम कोई भी एक ब्रांच चुन लेते हैं। इसके बाद आप मैसेज यहाँ पे डालेंगे, न्यू सेविंग अकाउंट अप्लाई। इसके बाद जैसे ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर देते हैं, देन आपको यहाँ पे सबमिट बटन देखने को मिल जाता है, तो सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली ब्रांच के पास चला जाता है। इसके बाद DNS बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और इस अकाउंट को ओपनिंग करने के प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे। जैसे आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाता है, इसके बाद आप DNS मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ के साथ गाइस आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाती है। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से आप DNS बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपनिंग करवा पाएंगे। यदि आपको इस अकाउंट को ओपनिंग करने में किसी भी तरह की समस्या आती है तो नीचे कमेंट अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और फाइनेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।